शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और सब इसका लोहा मान रहे हैं। 13 दिनों में ये फिल्म दुनिया भर में 865 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। 13 दिन बाद भी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार कम नहीं हुई। हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसे कह दिया जिसे लोग पठान से जोड़कर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान श्रीनगर में हाउसफुल चल रहे थिएटर्स की बात कही है। मालूम हो कि पठान के कारण श्रीनगर में 32 साल बाद थिएटर्स में रौनक लौटी। वहाँ हाउसफुल के बोर्ड टंग गए हैं। ऐसा नजारा दशकों से देखने को नहीं मिला था। देश दुनिया के साथ साथ घाटी में भी सिद्धार्थ आनंद की पठान को खूब प्यार मिल रहा है। पठान भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसी की चर्चा के बीच नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्लिप ट्विटर पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मोदी कह रहे हैं कि श्रीनगर में दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं। इस वीडियो को देख फैंस झूम उठे हैं। एक फैन ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि अब तो दुनिया भी मानती है, सच में ये पल भारत के लिए बहुत ही गर्व का है। शाहरुख खान और पठान को हर किसी से इतना प्यार मिल रहा है, हमारे पीएम मोदी जी ये बात जानते हैं। एक और फैन ने लिखा, मोदी जी को पता है कि पठान क्या तहलका मचा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि नेताओं को फिल्म पर बेवजह बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन अपने इस बयान में मोदी ने किसी नेता या किसी फिल्म का नाम नहीं लिया था। चूंकि विवाद पठान पर चल रहा था और बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसके गाने बेशरम रंग का विरोध किया था, इसलिए पीएम मोदी के बयान को इस फिल्म से जोड़कर देखा जा रहा है। बात करें पठान के अब तक के कलेक्शन की तो इसने 15 दिनों में देश में हिंदी में 433 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, वहीं वर्ल्ड वाइड 880 करोड़ रुपए कमाए हैं। पठान अब हिंदी भाषा में 500 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। जिस रफ्तार से पठान बॉक्स ऑफिस पर भाग रही है उस रफ्तार से ये 12 फरवरी तक 1000 करोड़ का कलेक्शन जरूर कर लेगी। श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे,